न्यूज़वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। संदिग्ध दो व्यक्तियों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। अलीगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। एक संदिग्ध फरार पुलिस के द्वारा घायल को इलाज के लिए लाया गया मलखान सिंह जिला अस्पताल। आरोपी घायल युवक पर लूट का मुकदमा दर्ज है। थाना सासनी गेट इलाके की पूरी घटना। थाना सासनी गेट द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति उन्हें लगे, जिनका उनके द्वारा पीछा किया गया। उन दोनों व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को घायल हुआ है और जिसे उपचार हेतु अभी मलखान सिंह हॉस्पिटल ले आया गया है। और घायल व्यक्ति के बारे में ज्ञात करने पर पता चला कि गैंगस्टर में वांछित अभियुक्त है। इसके बारे में अन्य इसका आपराधिक इतिहास और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी की जा रही है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई। बिजनौर में मुनिराज पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद द्वारा थाना नूरपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय परिसर, हवालात, भोजनालय, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, थाने की राजकीय संपत्ति और अभिलेख को चेक किया गया और सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ग्राम प्रहारियों से वार्ता कर उन्हें छाता वितरित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिजनौर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिजनौर का थाना नूरपुर का वार्षिक निरीक्षण के लिए मैं थाना पर आया था। थाना पर आके सभी थाना परिसर का भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान मैंने देखा साफ सफाई वगैरह बहुत अच्छी है और मैं इसका सफाई चेक किया, उसकी भी साफ सफाई अच्छी है। और थाना का जो परिसर में जो कार्यालय में जो उपस्थित कर्मचारी से बात किया, उनके रजिस्टर वगैरह भी चेक कर रहा हूँ। उनका अभी वर्तमान में जो रजिस्टर चेक किया, महिला हेल्प डेस्क, साइकिल हेल्प डेस्क और थाना दफ्तर का सब ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छी है। उन लोग सभी कार्य के बारे में जानकारी है, वो अच्छा काम कर रहा है। बाकी अभी चौकीदार से भी, थाना का जो चौकीदार है उनसे भी संपर्क किया है, उनका कुछ कमियाँ है जानकारी उनको मैंने बताया। उन लोग सभी अपना खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाना SDM किशनी को भारी पड़ रहा है। खनन माफिया मैनपुरी प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। माफिया सिंडिकेट बेखौफ हैं। JCB संचालक SDM को गाड़ी से कुचलने की धमकी दे रहे हैं। SDM के आने पर जिंदा वापस ना जाने की धमकी का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में खुलेआम दी जा रही धमकियां, SDM के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने पर जिले में हड़कंप मच गया। प्रशासन के इकबाल पर खड़े हो रहे सवाल। ऑडियो में जनपद की किशनी तहसील के समान क्षेत्र के JCP संचालक की बातचीत का दावा किया जा रहा है। मैंने बाकी खाई खोदे क्या है बताऊं, SDM साहब पकड़ ली। मैंने बाकी हैं हां जम जे रहो भुगत ली सब सजा फांसी सब भुगत ली जिंदा उना जाए यन तेते हम पछे नहीं आ रहे मशीन के SDM साहब। तो सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से वायरल वीडियो संज्ञानित हुआ है। ये तहसील किसनी के संदर्भ में है संज्ञानित वायरल वीडियो। उसके संदर्भ में संबंधित SDM जो कि SDM किसनी है उनको तत्काल निर्देशित किया गया है कि जांच कराते हुए अपेक्षित विधिक कार्यवाही तर्क संगत ढंग से सुनिश्चित कराएं। इसी के संदर्भ में तो कार्रवाई करने गए थे जैसा संज्ञानित हो रहा है वायरल ऑडियो से, और उसी के संदर्भ में दोबारा उनसे कहा गया है तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। पौड़ी जिले क्षेत्र के कलजीखाल ब्लॉक के पूर्वी मनियारसू के पोखरी गांव में भालू के हमले में एक 20 वर्षीय युवक के घायल होने का मामला सामने आया है। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घड़ियाल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय पौड़ी रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक पोखरी गांव से सटे जंगल में 20 साल के युवक हिमांशु 57 वर्षीय सुरेश सिंह रावत के साथ बकरी चुगाने के लिए गया था। बताया जा रहा है कि बकरी चुगाते हुए ग्रामीण सुरेंद्र सिंह रावत कुछ आगे निकल गया। इतने में युवक हिमांशु पर भालू द्वारा हमला कर दिया गया। ग्रामीण सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हो हल्ला करने के बाद किसी तरह से युवक हिमांशु को छोड़कर भाग निकला। इस घटना में वो बुरी तरह से घायल हो गया, जिसको प्राइवेट वाहन से ग्रामीणों और परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। चिकित्सालय में वन विभाग की टीम भी मौजूद है। जानकारी देते हुए वन बीट अधिकारी पद्मेंद्र सिंह रोथाणा और वनीकरण चौकीदार दीपक सिंह ने बताया कि युवक के जबड़े, कान के नीचे, सर पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल इलाज किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्ग पर छोटे टैक्सी वाहन चालक जानबूझकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे सरकार के सफल यात्रा के प्रयासों पर पानी फिर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे स्थित ARTO के चेक पोस्ट पर 32 श्रद्धालुओं से भरे छोटे टैक्सी वाहनों को पकड़ा गया। श्रद्धालुओं के जहां ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण नहीं कराए गए थे, वहीं वाहन चालकों ने ARTO विभाग से ट्रिप कार्ड भी जारी नहीं कराया था। इस बड़ी लापरवाही पर ARTO प्रवर्तन मोहित कोठारी ने वाहन चालकों को जमकर फटकार लगाई। श्रद्धालुओं को पंजीकरण के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराने के बाद यात्रा मार्ग पर आने के लिए बताया गया है। ARTO मोहित कोठारी ने बताया कि चारों वाहनों को नियम तोड़ने पर सीज कर दिया गया है। ARTO मोहित कोठारी ने वाहन चालकों से नियमों के तहत यात्रा मार्ग पर आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों के वाहन ऐसे ही सीज किए जाएंगे। आनंद फानन में एक बैठक हुई जिसमें इनके द्वारा एक निर्णय लिया गया
कि 31 तारीख तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। दसों दिनों से यहाँ पे यात्री पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। इसका मैसेज तो हमारा व्यापार तो खत्म हो ही गया है, पर अब उन लोगों को जो सीमित संख्या में बचे हुए उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे कि प्रदेश की छवि तो धूमिल हो ही रही है। हमारे व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब हमने आपस में ये तय किया है कि जब सरकार किसी भी ढंग से चेतेगी नहीं, ये जो अधिकारी है लोग, ये सही मनसा ग्राउंड में जो रिपोर्ट है, जो एक्चुअल पोजीशन है, उस चीज़ को बता नहीं पा रहे ऊपर लेवल पे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद सरस्वती तीर्थ नगरी पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने उनका जोरदार स्वागत किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने फूलमाला पहनाकर महामंडलेश्वर नरसिंहानंद सरस्वती का अभिनंदन किया। इस दौरान महामंडलेश्वर ने संगठन के सदस्यों के साथ बैठक की, जिससे सनातन धर्म को लेकर गहन चर्चा और विचार विमर्श हुआ। निर्णय लिया गया कि भारत को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। जो युवा धर्म के मार्ग से भटक गए हों, उनको मार्ग पर लाने का काम राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन करेगा। प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने बताया कि महामंडलेश्वर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन जल्द किया जाएगा। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि भारत को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने में युवा पीढ़ी को आगे आने की जरूरत है। इसके लिए संगठन को धरातल पर काम करना पड़ेगा। गैर हिंदू की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है। सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे दो की परंपरा को तोड़ना पड़ेगा, तभी भारत में हिंदू लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आज हमारे विचारों की वजह से गैर हिंदू लोग सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। तो बच्चे पैदा नहीं कर रहा और सब एक एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो एक एक बच्चे को सब कलेक्टर और DM बनाना, SP बनाने के चक्कर में, तो मजदूरी तो मुसलमान ही कर रहे हैं ना इस देश में, तो गए मुसलमानों के हाथ में देश। अब हिंदू अगर बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हर जगह मुसलमान ही मिलेंगे। केवल मजदूर की बात नहीं है, सारे काम मुसलमानों के हाथ में आ गए। हिंदू के पास में तो केवल झुंझुना बचा है, जो नेता उन्हें पकड़ाते रहते हैं, हिंदू झुंझुना बजाता रहता है। मैं हिंदुओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू अपनी रक्षा के लिए खड़ा हो जाए, ये अंतिम समय है। जिस तरह से भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है, बहुत जल्दी भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, और भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा तो सनातन धर्म जड़ से खत्म होगा हिंदुओं को। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में होने वाली रजिस्ट्रेशन का फर्जीवाड़ा रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मोटी रकम कमाने के लालच में कई ट्रैवल संचालक रजिस्ट्रेशन की तारीख में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन की तारीख से फर्जीवाड़ा करने का दूसरा मामला पकड़ा गया है। पंजीकरण में पहला फर्जीवाड़ा आंध्र प्रदेश के 11 श्रद्धालुओं के साथ हुआ, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले ट्रैवल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ के 8 श्रद्धालुओं के साथ पंजीकरण की तारीख में फर्जीवाड़ा करके हुआ है। ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान पंजीकरण की तारीख से फर्जीवाड़ा होने का खुलासा हुआ। मैं सिंथन भट्टाचार्य, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, और मेरे साथी जो है वो देश के विभिन्न प्रांत से आ रहे हैं। कोई कर्नाटका से आ रहे हैं, कोई हैदराबाद से आ रहे हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, और हम लोग कल रात को दिल्ली से शुरू किए थे केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। हमने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी डिफरेंट बुकिंग एजेंसी से, जैसे TTS, अंकल ट्रिप्स, ट्रिप चेजर्स एंड ट्रिपी बाबा ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड एंड द फ्रॉडुलेंट थिंग व्हाट दे हैव डन। हम लोगों ने पहले बात किया था, हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, तो हमने इनसे बात किया था कि हमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के दें फॉर केदारनाथ दर्शन। तो इन्होंने हमें अश्योर किया था पहले कि हमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके देंगे, फिर बाद में इन्होंने जो हमें डॉक्यूमेंट दिया था वो हमें कल, मतलब 21 जिस दिन हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसके शाम को मिला, और वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही फ्रॉडुलेंट था। बुद्ध पूर्णिमा यानी भगवान विष्णु का धरती पर भगवान बुद्ध रूप में अवतरण का दिन। बुद्ध पूर्णिमा का स्नान तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आधी रात से भी शुरू हुआ। इस मौके पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु धर्म नगरी हरिद्वार में आए हैं। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए रात से ही श्रद्धालुओं का हर की पौड़ी पर पहुंचना शुरू हो जाता है। श्रद्धालु के यहाँ पहुंचने और गंगा स्नान करने का सिलसिला निरंतर जारी रहता है। वही प्रशासन ने संपूर्ण मेला क्षेत्र को 7 जोन और 19 सेक्टर्स में विभाजित कर अधिकारियों की तैनाती की है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि लाखों भक्त लोगों ने गंगा में स्नान किया। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने धरती पर बुद्ध रूप से अवतार लिया। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर समाज को नई दिशा प्रदान की। भगवान बुद्ध से ज्ञान को प्राप्ति करने की कामना के लिए भगवान बुद्ध की आराधना की जाती है। सनातन धर्म के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या रहती है। बिल्कुल, ये जो है टोटल स्नान है हमारे, स्वतंत्रतापूर्वक शांतिपूर्ण से संपन्न हो जाए, उसके लिए हमारे सारे देहात के जितने थानाध्यक्ष हैं, CEO साहिबान हैं, उन सब को ड्यूटी लगा दी है। 7 जोन में बांटा गया है टोटल ये स्नान क्षेत्र, चाहे पार्किंग एरिया, स्नान एरिया, अपर रोड, रोड़ी बेल वाला, पंथी, जितने भी जगह है। इवन जो चार धाम के लिए आ रहे हैं उनके लिए हमने बैरागी कैंप में ऑलरेडी एक
व्यवस्था बना रखी है ताकि धामों में जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ जा रही है या बिना रजिस्ट्रेशन के लोग जा रहे हैं उन पर भी नियंत्रण किया जा सके। और साथ ही क्योंकि धाम में आजकल जो बिना रजिस्ट्रेशन से जाने नहीं दिया जा रहा तो लिहाजा वो जो है यहाँ रुकेंगे और स्नान भी करेंगे। तो लास्ट ईयर के जो बुद्ध पूर्णिमा का स्नान तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। इस अवसर पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। स्नान करना शुरू किया था और इस सिलसिला निरंतर जारी रहा। मान्यता है कि आज के दिन भगवान बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था और भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। आज ही के दिन भगवान बुद्ध की धरती से विदाई हुई और आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने सुदामा को विनायक उपवास रखने के महत्व को बताया और भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने की गंगा पूजन करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है। 7 जोन और 19 सेक्टर में बांटा गया है। हमारे यहाँ पे ओवरऑल इंचार्ज हमारे SP सिटी है और उनके अंडर काफी पुलिस उपाध्यक्ष है, COs हैं, फिर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है और बाकी फोर्स है। तो सभी को अलग अलग जगह ड्यूटी दी गई है। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए भी अलग प्लान बनाया गया है, पार्किंग व्यवस्था की गई है और ओवरऑल सादा वस्त्रों में भी हमारे लोग हैं ताकि किसी भी तरह से यात्रियों को और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। देखिए, आज वैशाख मास की जो पूर्णमासी है इसका विशेष महत्व इस बात से बन जाता है कि आज ही के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने की शुरुआत की थी। आज ही के दिन भगवान नारायण के और लक्ष्मी जी के पूजन का महत्व बढ़ जाता है। उपवास करने के पश्चात जो आज गंगा में स्नान करें, जो सप्तपुरियां हैं उन नदियों में स्नान करें और जो कुंभ क्षेत्र हैं उनमें स्नान करें तो व्यक्ति को साक्षात नारायण के समान हो जाने का आशीर्वाद मिलता है। आज ही का दिन है जिसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आज बुद्ध के जीवन के 3 महत्वपूर्ण कार्य आज ही वैशाख पूर्णमासी को हुए थे। आज ही उनके मन में निर्वाण उत्पन्न हुआ, आज ही के दिन उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ और आज ही के दिन उन्होंने अष्टांगिक ज्ञान लोगों को दिया था। हरिद्वार के लक्सर रोड के मार्ग पर बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा हुआ। सीमेंट से भारी ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सल टूट गया। ट्रॉली का एक्सल टूटने से रेलवे ट्रैक पर सीमेंट से भरी ट्रॉली, रेल यातायात, सड़क यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। रेलवे ट्रैक पर ट्रॉली गिरने से कई गाड़ियां प्रभावित हुई, कई घंटे सड़क पर जाम लगा रहा। मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर से पहले हादसा हुआ। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक खोला गया। मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को बसाने की कवायद तेज है। चीतों को बसाने के पहले केन्या से आए डेलीगेशन के 6 सदस्यों ने गांधी सागर अभ्यारण्य का भ्रमण किया। दल ने गांधी सागर अभ्यारण में प्रचलित चीता पुनर्स्थापना योजना अंतर्गत कार्यों का भी निरीक्षण किया। जानकारी ली, पहले दिन भ्रमण दल को अभ्यारण में चीता पुनर्स्थापना के लिए कई तैयारियां और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता प्रोजेक्ट की सफलता में 1 साल के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। दूसरे दिन केन्या से आए दल ने गांधी सागर में प्रचलित पूर्ण हुए कार्यों का अवलोकन किया। साथ ही अभ्यारण में चीता पुनर्स्थापना अंतर्गत 6,400 हेक्टेयर में बने बाड़े और क्षेत्र को भी देखा गया। गोमती नगर विराम खंड में सड़क धस गई है। सड़क धसने से यातायात प्रभावित हुआ है। सड़क धसने के बाद रास्ते को बंद कराया गया। हुजडिया चौराहे से पत्रकारपुरम जाने वाले रास्ते में सड़क धस गई है। सड़क के अंदर पावर केबल डालने का काम चल रहा था। सड़क धसने से आस पड़ोस में रहने वाले लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। युवान हत्याकांड को लेकर सर्व समाज का एक प्रतिनिधिमंडल युवान हत्याकांड के दोषियों को अविलंब सजा दिलाने की मांग को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से उनके कार्यालय में मिला। युवान के इलाज में घोर लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक उनके स्टाफ के खिलाफ सख्त धाराओं में कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग लगातार की जा रही है। ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है कि मेरा बेटा 6 अक्टूबर रात 9 बजे डॉक्टर जितेंद्र चुक के यहाँ 2023 डॉक्टर जितेंद्र चुक के यहाँ में लेकर आया हल्के से पेट दर्द में। डॉक्टर साहब को फोन करके आया, उन्होंने कहा आप ले आइएगा, हल्का सा पेट दर्द था। डॉक्टर साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इसको इंजेक्शन दे रहा हूँ, आप अभी आराम हो जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉल पे देखा। सुबह तक डॉक्टर साहब ने मतलब ऐसे ही किया, रात को यही बोलते रहे कि भाई हल्का सा इन्फेक्शन आप एडमिट कर लो और सुबह तक बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब आए हैं नहीं सारी रात, इमरजेंसी फीस ली मेरे से और अपने अटेंडेंट से जो 10th फेल है मतलब नो सीखा है उसे कुछ। अब मैंने इमरजेंसी फीस MD डॉक्टर के होने की थी, जानकारी थी, विश्वास था, प्रॉब्लम बहुत हल्की थी इसलिए मैं उनके विश्वास पर बैठा था। सुबह डॉक्टर साहब 8 बजे बच्चा एक्सपायर हो गया, डॉक्टर साहब आए 9 बजे। उसके बाद से हम प्रशासन के पास आए, डॉक्टर
की तैयारी 304 में मुकदमा हुआ, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और तब से 7 महीने हो गए। आज इसी उसमें यहाँ ये धरना बैठे हैं लोग, समाज की जमानत भी खारिज हुई है, उसे पूरा मौका दिया है प्रशासन ने। फतेहपुर जिले के बरई बुजुर्ग थाना थरियाम निवासी राम मनोहर लोधी ने अपनी बेटी सीलम देवी की शादी 28 मार्च 2023 को निवासी केवई मालका थाना राधानगर के मनोज कुमार लोधी के साथ की थी। कुछ दिनों के बाद दामाद मनोज कुमार लोधी परिवारजनों ने दहेज की मांग को लेकर बहन सीलम देवी को प्रताड़ित करने लगे, जिसकी जानकारी बेटी ने अपने मायके पिता और भाइयों को दी, लेकिन मायके पक्ष के लोगों ने बेटी को ससुराल में ही रहने के साथ बना दी। मुंबई में एक रूम पर पति पत्नी साथ रह रहे थे। मृतका के भाई ने बताया कि इसी बात को लेकर 8 तारीख को फिर विवाद हुआ और बहन को फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। पुलिस अधीक्षक ऑफिस सैकड़ों ग्रामीण पहुंचकर उन्होंने शिकायत पत्र देते बताया कि बहनोई मनोज के भाभी के साथ अवैध संबंध होने के चलते बहन के साथ गलत बर्ताव करते हुए उसे दहेज के लिए मांग करते रहे और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बॉम्बे गए थे लेकर के, गांव से मारते कूटते ले गए, खोपड़ी फाड़ दिए, उसको पट्टी कराए, पट्टी कराने बाद फिर मारते कूटते ले गए, फिर ले जाके वहां पे 2-4 रोज के बाद वहां मार दिए, गला दबा के गला काट दिए, फिर बाद चाकू से बोरा में भर के ले जा रहे थे, फिर गेट मैन नहीं था मौके पे, फिर दूसरी तरफ से गेट मैन आ गया है, फिर बोला कि ये क्या ले जा रहे हो, फिर मनोज बोला कि कूड़ा ले जा रहे हैं, हैं? मनोज बोला शादी का झांसा देकर युवक ने युवती के साथ बनाए 3 साल तक शारीरिक संबंध। युवती ने शादी की जिद पकड़ी तो युवक घर से फरार हो गया। युवती लगातार कई दिनों से थाना दहली गेट के चक्कर लगा रही है। स्थानीय पुलिस ने युवती को मामले को टकरा दिया है। आरोपी युवक थाना गांधी पार्क इलाके के दुबे पड़ाव का रहने वाला है। 3 साल पहले युवती की मुलाकात कॉलेज टाइम में हुई थी। 3 साल तक शादी का झांसा देकर युवक शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़ित युवती ने न्याय की गुहार लगाते हुए SSP को प्रार्थना पत्र दिया है। क्या हुआ आपका? मैं TR कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं फेसबुक के माध्यम किसी लड़के से मेरी बात हो गई थी, कैलाश नाम था उसका, मीनाक्षी पुल के नीचे रहता है दुबे के पड़ाव पे, और 3 साल से मेरा उसके साथ रिलेशन हो गया था और उसने मेरे 3 साल से संबंध भी बनाए थे उसने मेरे साथ, और वो मुझसे प्यार कहता था, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ कर लेंगे शादी। फिर वो ऐसे ही 3 साल संबंध बनाते, फिर वो पता नहीं चला गया छोड़कर और कहता था हाँ शादी करूँगा और जिस चला गया फ़ोन स्विच ऑफ करके चला गया। रोडवेज बस और टेम्पो के भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। टेम्पो में सवार 2 लोगों की मौत, लगभग आधा दर्जन घायल हुए हैं। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर शनाख्त में पुलिस जुटी है। घायलों को अस्पताल रेफर किया। उझानी कोतवाली क्षेत्र के बदायूं मथुरा हाईवे पर करुआ पुल पास के गांव का ये पूरा मामला। अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार करने सुल्तानपुर पहुंचे वरुण गांधी ने मतदाताओं से भावुक अपील की। उन्होंने नुक्कड़ सभा में मंच से संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में 543 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं। कई जगह कश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां के सांसद को लोग सांसद जी, मंत्री जी कहने के बजाय माता जी कहकर बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि मां के अंदर परमात्मा के बराबर शक्ति होती है। पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। उन्होंने कहा कि आज मैं केवल अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि सुल्तानपुर की माँ के लिए समर्थन जुटाने आया हूँ। वरुण ने कहा कि माँ को जो परिभाषा होती है वो सबकी रक्षा करे, भेदभाव ना करे, जो मुश्किलों में काम आए और जो निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे। माँ की डांट भी आशीर्वाद होता है। देश में जब सुल्तानपुर का नाम लिया जाता है तो प्रथम पंक्ति में मुख्य धारा में सुल्तानपुर का नाम लिया जाता है। अपने संबोधन के दौरान वरुण गांधी ने कहा कि सुल्तानपुर वालों के अंदर काबिलियत, साहस, प्रतिभा और स्वाभिमान की कोई कमी नहीं होती। यहाँ के लोगों को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लोगों को अपना अपना परिवार माने। परिवार का मतलब हर वार में जो साथ दे वो परिवार होता है। हम लोग वादा करते हैं कि एक खून के रिश्ते का वादा करते हैं। सुल्तानपुर का कोई व्यक्ति अकेला नहीं होगा। बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर 3-4 करोड़ लोग के फोन आने शुरू हो जाएंगे। ये समस्या तो है ना, उसके लिए फिर कुछ बड़ा पद हासिल करना पड़ेगा। अभी जितना दायरा है उसी में काम करना चाहिए। 98-99-755-006 98-99-755-006 आज मुझे कृपया फोन ना करिए, क्योंकि मैं दौरे पे हूँ। कल के बाद कभी भी मुझे फोन कर लीजिए, है ना। लेकिन बस एक निवेदन मेरा है कि शाम के बहुत बार फोन मत करिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग बहुत खुश होकर फिर फोन करते हैं। अभी खुशी का माहौल जो है अपने तक रखिए थोड़ा सा। यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ,
अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बैरी सोड़ इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट में बाहर लगे एसी के आउटडोर में अचानक भीषण आग लग गई। आउटडोर में लगी आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया जिससे एसी का आउटडोर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। इस दौरान आउटडोर में लगी आग के बाद अपार्टमेंट में रह रहे लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले एसी का आउटडोर जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। वहीं गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा होने से चल गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 27 मई को गाजीपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ से हेलीकॉप्टर से चलकर दिन में करीब 12 बजे न्यू स्टेडियम ग्राउंड आईटीआई मैदान गाजीपुर पहुंचेंगे, जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।